most accomplished para athlete javelin thrower Devendra Jhajharia is now joining us here on the broadcast. Devendra Jhajharia ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समय निकाला और हमसे बातचीत के लिए आप रिपब्लिक टीवी पर आइए. लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपका सवाल अगर पूछूं, जहां तक पैरालंपिक कमेटी की ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने 24 मेंबर एथलेटिक टीम्स अनाउंस करी और उसमें सबसे पहले आपका नाम था द जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झझरिया. इसके बारे में बताइए, आपको कैसा महसूस हुआ अपना नाम देखकर? बिल्कुल, बहुत ही मेरे लिए खुशी के पल थे वो, जब मेरा सिलेक्शन हुआ. और सिलेक्शन भी जो सिलेक्शन ट्रायल थी उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है. मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो पहले 63.97 था, उसको नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है मैंने 65.71 से. तो काफी मार्जिन से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है. और मैं तीसरी बार ओलंपिक पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. और मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट जो ये इवेंट था, इसमें जो मेरी शानदार परफॉर्मेंस रही है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है. बिल्कुल, होना भी चाहिए क्योंकि आप अपने रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. देवेंद्र झझरिया हु हर्ल्ड द स्पीयर एट 65.71 मीटर्स, बेटर देन हिज प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 63.97 मीटर्स एट द नेशनल ट्रायल्स दैट वर हेल्ड इन दिल्ली. और उसकी वजह से आपको टोक्यो पैरालंपिक्स में जाने का मौका मिल रहा है. तीसरी बार आप एक ऐसे पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं. आपने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ डाला. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. इसमें मैं कहूंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग प्लान थी वो सक्सेस रही. विशेष तौर पे मेरे सुनील तनवर और मेरे फिटनेस ट्रेनर लक्ष्य बत्रा, पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ था, उन्होंने अच्छा काम किया. और भारत सरकार से भी बहुत ही हमें ट्रेनिंग प्लान मिली, बहुत फैसिलिटी मिली. इसी की वजह से ही मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर पाया हूँ. विशेष तौर पे मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि मैं लॉकडाउन के अंदर भी मैं साई ट्रेनिंग सेंटर गांधीनगर में ट्रेनिंग कर रहा था. 7 महीने हो गए मैं घर नहीं गया था, तो सभी जगह से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. उसी की बदौलत आज मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है. तो देवेंद्र जी, जहां तक अगर जैवलिन थ्रो के बारे में बात करें तो इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, शारीरिक ताकत बहुत चाहिए, कॉन्फिडेंस तो आप में बहुत ज्यादा है ही. लेकिन अगर हम उम्र या एज के बारे में बात करें तो सामने आती है कि अगर स्पोर्ट्स, जिस तरीके की स्पोर्ट्स आप देखते हैं और आप खेलते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? बिल्कुल, एज तो मेरा ये मानना जस्ट एक नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है. आप सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल मजबूत होना पड़ेगा. कुछ आपको ट्रेनिंग प्लान भी चेंज करनी पड़ेगी इसके हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है हमारे कि आपने मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन लिया लेकिन आपकी रिकवरी इवनिंग तक नहीं हुई, तो आपके इंजरी की संभावनाएं रहती हैं. उन सभी बातों का हमें बहुत ध्यान रखा है हमने, इसलिए हम इंजरी से बचे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेटर रही है. और मैंने कभी ये नहीं माना कि अभी मैं 40 साल का हो गया हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग है या मेरी ट्रेनिंग प्लान है वो लगभग मैं 20 साल के लड़कों के साथ भी करता हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि 20 साल और 40 साल में कोई फर्क नहीं. अपनी दिनचर्या के बारे में जरा बताएंगे, क्योंकि जहां तक अगर COVID-19 पैंडेमिक की वजह से सब लॉकडाउन लग चुका था और एक जैवलिन थ्रो तो आपको फील्ड में आने की ज्यादा जरूरत है, तो आप किस तरीके से तैयारी कर पाए जहां तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा था, आपका जहां तक ट्रेनिंग है वो कैसी चल रही थी? जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम में मेरे घर पे चला गया था, तो उसमें मेरे कोच साहब ने बोला कि आपको वेट नहीं बढ़ना चाहिए बिल्कुल भी आपका, और मुझे एक रूम के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ी थी क्योंकि बाहर नहीं निकलते थे हम लोग, बहुत ही ज्यादा उस टाइम में तो कोविड फैला हुआ था. तो मैं घर पे एक रूम के अंदर ट्रेनिंग करता था. अब जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज थी मेरे पास, कुछ मेडिसिन बॉल थी, या जैसे गाड़ी का टायर था उससे ट्रेनिंग करना, या सिलेंडर लेके एक्सरसाइज करना, इस टाइप से हमने एक्सरसाइज की. और उसकी बदौलत ये हुआ कि मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, मैं अपने आप को मेंटेन किया. ये वो टाइम बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन उस टाइम में भी हमने पॉजिटिव होकर के ट्रेनिंग की और अच्छा रिजल्ट आया हमारा. बिल्कुल. और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी झझरिया सी, जहां तक आपकी 37 साल की उम्र में ही आपने 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और आईपीसी वर्ल्ड मेडल्स थोड़ी कप आपके ऑलरेडी आपके खाते में आ चुके हैं, लेकिन आपका कहना है कि ये टैली अभी भी खत्म नहीं है, आपकी और
जहां तक आगे बढ़ने की इच्छा है, और इसी तरीके से आपने बर्थ तो आप हासिल कर लिया है टोक्यो पैरालंपिक्स में, बट यहां तक रुकेंगे नहीं आप? नहीं बिल्कुल, मेरा मकसद ये है मेरे देश के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतूं और मेरा देश का झंडा सबसे ऊपर हो, हिंदुस्तान का जो विश्व मानचित्र में है वो सबसे अलग दिखाई दे, हम लोग स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़े। मेरा काम खेलने का है तो मैं बेहतर परफॉर्मेंस दूं मेरे देश के लिए, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहता है। आज मुझे 19 साल हो गई भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, हर टूर्नामेंट में मेडल लिया है, हर इवेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो मैं चाहता हूं कि अब टोक्यो उसमें भी मैं एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूं और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो होगा भी, और वो होगा भी, हमें विश्वास है। जहां तक हमारी सबसे बड़ी टीम या बड़ा सबसे कंटिंजेंट भारत की तरफ से टोक्यो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र झरझरिया जी, आपके दिमाग में क्या आता है जहां तक, अगर आप थोड़े दिनों में अगर आप जाने वाले हैं, आपका फोकस कहां रहेगा? आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा है, जहां तक जीत की तरफ हासिल ज्यादा होगा, या अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, क्योंकि आप पहली दफा तो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 2 ओलंपिक का एक्सपीरियंस है, मुझे कैसे कॉम्पिटिशन लड़ना है, मेरे कोच साहब से पर डे इस विषय पे चर्चा होती है, हमने प्लान भी तैयार कर लिया है कितना कैसे ट्रेनिंग करनी है, ओलंपिक से पहले कितनी ट्रेनिंग करनी है, वो प्रॉपर हमारा प्लान रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र झरझरिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, आपने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और अब टोक्यो पैरालंपिक्स में अब आप हिस्सा लेने जा रहे हैं और पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।